क्या आप भी मेरी तरह टोयोटा हाइराइडर या ग्रैंड विटारा में कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको भी रातों को नींद नहीं आती? तो हाँ, आज से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा टोयोटा हाइराइडर या ग्रैंड विटारा में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है फॉर यू। सो मजाक रहा अपनी जगह, अब करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की बात। सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूँ, आपको टोयोटा हाइराइडर थोड़ी ज्यादा लेंथ में देखने को मिल जाएगी, इतना भी फर्क नहीं है। पर आप नीचे इसकी डायमेंशंस देख ही पा रहे हैं, टोयोटा हाइराइडर में आपको 4365 mm की लेंथ देखने को मिलेगी, ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा में आपको 4345 mm की। सो यहाँ पे डिफरेंस है बस थोड़े से मार्जिन का, पर यहाँ पे टोयोटा हाइराइडर आपको ज़्यादा लंबी देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ लोग कह रहे होंगे कि इतनी लेंथ तो चलती है पर लंबा लंबा होता है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर से हो चाहे वो 100 सेंटीमीटर से। दूसरी बात करें, अगर आप इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक देखेंगे, आपको टोयोटा हाइराइडर में एकदम फ्रेश लुक देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं लगेगा वो कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट है। पर अगर आप ग्रैंड विटारा को देखेंगे, उसकी अगर आप लुक एस क्रॉस से कंपेयर करेंगे, सो आप उसको सिमिलर देखने को लगेगी। एस क्रॉस की लुक भी आपको ग्रैंड विटारा ही जैसी देखने को मिलती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होंगे। सो टोयोटा हाइराइडर में आपको एकदम फ्रेश लुक देखने को मिल रही है, जिससे कि टोयोटा हाइराइडर को एक एडवांटेज देखने को मिल रही है, एंड इसकी लुक भी अग्रेसिव है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। साइड डिज़ाइन की बात करें, साइड डिज़ाइन से तो ये दोनों गाड़ियाँ लगभग सेम ही है, पर अगर आप इन दोनों गाड़ियों के अलॉय व्हील्स देखेंगे, मुझे पर्सनली ग्रैंड विटारा के अलॉय व्हील्स बेकार लगे एज कम्पेयर टू टोयोटा हाइराइडर। टोयोटा हाइराइडर के मुझे ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेश डिज़ाइन है एंड थोड़ा स्पोर्टी लगता है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। बैक लुक की बात करें, बैक से ये दोनों गाड़ियाँ एकदम क्लासी लुक कैरी करती हैं, टोटली न्यू। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। पीछे मेजर डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में, सिर्फ लाइट्स का ही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होंगे। दूसरा रीज़न है टोयोटा हाइराइडर को बाय करने का ओवर ग्रैंड विटारा, क्योंकि टोयोटा हाइराइडर में आपको 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है ऑन पेट्रोल इंजन। और अगर बैटरी की बात करें, उसमें आपको 8 साल की वारंटी या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर साइड ग्रैंड विटारा में आपको ऐसी वारंटी कोई भी नहीं देखने को मिलती टिल द डेट नाउ। बाद में इसकी वारंटी रिलीज हो जाएगी, पर अभी तक इसकी वारंटी का कुछ नहीं पता। जो टोयोटा हाइराइडर के पेट्रोल के इंजन की वारंटी है, वो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और 2,20,000 किलोमीटर। एंड और भी कुछ रीजंस है टू बाय टोयोटा ओवर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, क्योंकि जब आप ये गाड़ी लेंगे, आप इसकी सर्विस करवाने जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा कम वेट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मारुति, क्योंकि आप जानते हैं मारुति के सर्विस सेंटर्स या नेक्सा में ज़्यादा भीड़ होती है। मेरी सिटी में तो भीड़ होती है पर्सनली, आपकी सिटी का आगे नहीं पता। बाकी आपको बेटर सर्विस देखने को मिलेगी टोयोटा में एज कम्पेयर टू मारुति। बाकी अगर आपको एक चाय कॉफ़ी पूछी जाएगी इन टोयोटा एज वेल एज मारुति, टोयोटा में आपके चाय कॉफ़ी में थोड़ा दूध ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मारुति, क्योंकि वो थोड़ी प्रीमियम कस्टमर है। बाकी मजाक रहा अपनी जगह, दोनों गाड़ियाँ एकदम बेहतरीन है, दोनों गाड़ियों के एकदम सेम स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिल रही है, बस थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फर्क है। एंड अगर बात करें टोयोटा एंड मारुति कंपनी के बीच में आपको किसकी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू देखने को मिलती है, सो वो टोयोटा की है। टोयोटा को लोग थोड़ा प्रीमियम समझते हैं एज कम्पेयर टू मारुति। टोयोटा की बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कि टोयोटा आपको थोड़ी महंगी मिलेगी एज कम्पेयर टू मारुति। एंड बाकी सर्विस की बात करें, सर्विस दोनों की लगभग सेम ही होती है, 200-300 का फर्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो इस कॉम्पिटिशन का विनर है यहाँ पे टोयोटा हाइराइडर, क्योंकि टोयोटा में आपको ज़्यादा ब्रांड वैल्यू देखने को मिल रही है और इनकी सर्विस भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मारुति। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली विनर है टोयोटा हाइराइडर। क्यों विनर है मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे वीडियोस तो सारे देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो आप लाल वाला बटन दबाते जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं फ्यूचर में भी इससे भी ज़्यादा बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।